हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के एडीजीपी सीआईडी अशोक तिवारी के खिलाफ परिवहन मजदूर संघ ने शिमला के बालूगंज थाने में एचआरटीसी की संपत्ति का निजी उपयोग करने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। परिवहन मजदूर संघ के अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी ने अपने पीए हमीर चंद के साथ मिलकर एमडी रहते अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एचआरटीसी की संपत्ति का निजी उपयोग किया है। अधिकारी ने एचआरटीसी तारा देवी विश्राम गृह से फर्नीचर और कीमती सामान गायब करवाकर अपने घर ले गया था। संघ द्वारा मामला उजागर करने पर अधिकारी ने कुछ सामान विश्राम गृह में जमा करवाया था, लेकिन अभी भी अधिकारी के पास एचआरटीसी का कीमती सामान बचा है जिसे अधिकारी वापस करने में टाल मटोल कर रहा है। परिवहन मजदूर संघ के अध्यक्ष शंकर सिंह ने पुलिस से अधिकारी के खिलाफ सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और चोरी का मामला दर्ज करने की मांग की है, और अगर सरकार ने अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो संघ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी गुरेज नहीं करेगा। आज हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के सभी वरिष्ठ नेता पूरब में जो एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक आईपीएस अशोक तिवारी जी, जो आजकल प्रदेश में एडीजीपी सीआईडी हैं, उनके खिलाफ परिवहन मजदूर संघ भ्रष्टाचार और सरेआम निगम के फर्नीचर और अन्य कीमती सामान को अपने घरों में पहुंचाने के लिए, जिसे उन्होंने बिना किसी की अनुमति लिए अवैध तरीके से अपने घरों में पहुंचाया था, और हमारे द्वारा इस मामले को पिछले एक वर्ष से मीडिया में प्रमुखता से उजागर करने के बाद उन्होंने एक पिकअप सामान की भरकर जमा करवाई है। कुछ सामान को उन्होंने स्वीकारा है कि ये मेरे पास है और टूट गया है, बाकी सामान की अभी डेढ़ दर्जन आइटम अभी जमा नहीं हुई है एचआरटीसी में। इस मामले में परिवहन मजदूर संघ ने निर्णय लिया था कि अशोक तिवारी और उनके वरिष्ठ निजी सचिव हमीर चंद के खिलाफ पुलिस थाना बालूगंज में एफआईआर दर्ज करवाई जाए, तो हम आज इस उस निर्णय के साथ हमने एक शिकायत पत्र माननीय यहाँ पर एसएचओ साहब को दिया है और तुरंत एफआईआर दर्ज करने के हमने आग्रह किया है कि एडीजीपी सीआईडी श्री अशोक तिवारी और उनके निजी सचिव के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए का सामान अवैध तरीके से अपने घरों में पहुंचाया है और इस सामान के लिए उनकी जो अपने आवास को सुसज्जा के लिए जो उनकी एंटाइटलमेंट नहीं थी, और उसके बाद भी जब उनकी एंटाइटलमेंट नहीं थी इस सामान को अपने घर ले जाने की, तो ये सामान किस तरह से उनके घर में पहुंच गया। ये मामला कब का है? ये मामला 2015 का है और 2015 से 2018 शुरुआती दिनों तक ये मामला बिल्कुल चुपचाप रहा, हमारे किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपने पद के प्रभाव में अधिकारों का दुरुपयोग किया है और एचआरटीसी को दोनों हाथों से लूटा है। अधिकारी के खिलाफ तैयार थे हुए इस मामले में पुलिस जो एसएचओ साहब हैं और अन्य लोगों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया है और उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद इसके लिए पूरी हम कार्रवाई करेंगे। सरकार से कभी इस मुद्दे को उठाया आपने? सरकार से इस मुद्दे को उठाया है, प्रबंधन से, एचआरटीसी के प्रबंधन से दो बार तो हमने बड़ी प्रमुखता से उठाया था, बार बार हम उठाते रहे, लेकिन 17 सितंबर 2018 को हमने लिखित में एचआरटीसी की मैनेजमेंट को दिया था कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अगर लेकिन आज की एफआईआर पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या करने वाले आप लोग, क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इस पर इस प्रकार का कोई लेटर की भी होगी। हमारे आग्रह पर, हमारे शिकायत पत्र पर
प्रदेश की जो आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार है वो इस जीरो करप्शन टॉलरेंस के उस नियम पर कार्रवाई करेगी और भ्रष्ट अधिकारियों को उनकी औकात दिखाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायपालिका जो काम सरकारें और पुलिस नहीं कर पाई आज तक वो न्यायपालिका करती है। हमने अतीत में भी 156(3) में न्यायपालिका का दरवाजे पर जाकर वहां पर न्याय मांगा है और न्याय मिला है और HRTC में कई FIR न्यायपालिका के हस्तक्षेप से हुई है। अगर इस प्रकार का भी मामला अगर आया, एक तो आएगा नहीं, अगर आया तो हम 156(3) में भी FIR दर्ज कराने से पीछे नहीं हटेंगे।